जी मैं आपको बताऊंगा ब्रश टूल कैसे यूज़ करें और ब्रश टूल कैसे फ़ायदे क्या है। ब्रश टूल ऐसे भाई जैसा टूल है तो वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपके फ़ोटोशॉप में। तो आपने कोई भी पिक्चर उठानी है, जैसे मसाल के तौर में मैं कोई भी पिक्चर उठा लेता हूँ, लाइक ये ठीक है, और पिक्चर उठाता हूँ। अब उसको जो आसमान है इसका मैं थोड़ा कलर है उसको करना है, तो मैं क्या करूँगा ब्रश टूल लूँगा। ब्रश टूल बी भी इसका शॉर्टकट की है, और आप यहाँ से भी ला सकते हो। यहाँ मैंने नॉर्मल मोड रखा, मोड नॉर्मल मोड करने का। यहाँ साइज़ आप क्रिएट कर सकते हैं, साइज़ आपको दो तरीके से आपको बचता है। एक ये कि आप एक प्लस प्लस माइनस वाला साइन होगा, उससे नीचे दो और साइन हो गए तो उसको आप आगे पीछे करते हैं तो ये प्लस और माइनस वाला बढ़ेगा, वरना अब प्लस होता होगा, वरना आप यहाँ से भी साइज़ एडजस्ट करके अपने साइज़ को एक एडजस्ट करके देख सकते हैं हाँ इतना बड़ा सही है या नहीं है। तो अब मसाल के तौर में आपने एक प्राइस में नहीं लगती, आप ब्रश भी इसमें बहुत से पेंसिल है और ETC। तो हमें सिंपल हमने जो ब्रश है मैं ब्रश ब्रश को इस्तेमाल करके आपको दिखा देता हूँ। ये पेंसिल हो गए, मतलब कि थोड़ा पेंसिल टाइप का कलर आ रहा है आप देखो। अब यही चीज़ मैं इसको इसमें भी आपका बहुत से पेंसिल्स आ रहा है, लेकिन अभी ब्रश के ऊपर हम जाते हैं तो ब्रश में फ़िलहाल बहुत से ब्रश इसमें आते हैं। तो ये एक साइज ले लो, तो इसमें आपको थोड़ा छः कहानी आपको करना होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये है तो ये देखो कितना खूबसूरत सा ये बन के आ रहा है। तो मैं एक खाली पेज लेता हूँ, उसमें ज़्यादा अच्छा समझ आएगा आपको। ये लिया हुआ है मैंने खाली पेज, और यहाँ देखो ये एक ही करके मैं आपको खुद ट्राई करवाता हूँ। पेंसिल और ये वाला लेना चाहो ये ले लो, पेंसिल लेना चाहो पेंसिल ले लो, पेन ब्रश। और तो हम पहले सबसे पहले इससे हम ट्राई करते हैं 2B पेंसिल से, और यहाँ हम सिलेक्ट कर देते हैं साइज़ थोड़ा बड़ा ठीक है। और उसके बाद नंबर 1 जो है अपना वो ट्राई करते हैं ठीक है। तो इसको बड़ा किया, ये देखो अब वही कलर थोड़ा तब्दील कर लेते हैं, कलर रेड लगता हूँ रेड। ये रेड कर लिया मैंने, और इसको मैं ये वाले को लेता हूँ। अब देखिए ये थोड़ा डार्क हो गया, और इसके बाद हम ये थोड़ा, अब ये थोड़ा ऐसे टाइप का होगा, ये भी ऐसी ऊपर वाली जैसा होगा लेकिन मामूली सा फर्क होगा इसमें और इसमें। अच्छा जी, इसके अलावा हम ये वाला देख लेते हैं, ये भी ऐसी है। फिर ये फिर पेंसिल पेन पेन जैसा ही कलर देगा। अब देखो बस दे रहा कलर है, तो ये देखते ये कैसे बना रहे हैं, लकड़ियाँ बना रहे हैं। अच्छा साइड में तस्वीरें भी चल रही है, तो आप आसानी से कोई भी मतलब तस्वीर में कैसे ये है, तो ये ब्रश हमने चेक कर लेते हैं। तो ये इसको इस टाइप का बनाएगा, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, तो ये ऐसे में बनाएगा ठीक है भाई। गाइस ये देख सकते हो आप लोग, ये कुछ ऐसे बना है, और कैसे ये मतलब कुछ भी आपको पेन करना है तो आप कर सकते हो इससे। अच्छा जी, तो ये चीज़ बता दी आप। इसके अलावा इसमें तकरीबन बहुत से 100 200, तो आप ब्रश अभी 100 यहाँ दिखाया जाए कि 100 है, लेकिन आप इसको और भी ब्रश इसमें ऐड कर सकते हो। आपको इसके बहुत से वो मिल जाते हैं, फाइल मिल जाती है ऑनलाइन, आप गूगल वगैरह कर लेते हो और वहाँ जाके इसको ऐड कर लेते हो, तो और भी बहुत से ब्रश इसमें आ जाते हैं। और इसमें साइज़ आपको यहाँ से ब्रश का साइज़ नॉर्मल, इसके अलावा डिफॉल्ट वगैरह भी है इसमें कि मतलब आपका जो चीज़ है काम कर दो वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, लेकिन डिसॉल्व हो जाएगा, ये सही है। बात की कहानी ये चीज़ें मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ। तो ये ब्रश है। अच्छा इसके अलावा एयर ब्रश का मतलब ये कि फ्लो के साथ, मतलब वही चीज़ फ्लो के साथ आएगी, तो देख सकते हो मतलब थोड़ा सा फ्लो क्या है होता है वो है कि कोई आपको ब्रश सामने मसाल के तौर में आपने ये लिया, इसको पहले हम हटा देते भाई, तो ये लिया। अब ये देखो ठीक है,
ये देखो, अब वही मैं ब्रश को हम सिंपल उससे करते हैं इससे, तो ये चीज़ अब देखते क्या आता है। कलर ले लिया, यही ले लिए, देखो इसमें और इसमें क्या फर्क आया। बस हम फॉलो मतलब कि थोड़ा सा उसमें ना ग्लो आ जाता है, या ये बोलो कि मतलब जब हम यहाँ मैंने लेयर्स के उसमें बताया था, तो फिर फ्लो वगैरह के बारे में मैंने समझाया था, तो मेरे ख्याल से इसके बारे में समझाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसमें करंट टूल है, तो ये तमाम टूल से जो आपको समझना चाहिए और समझोगे आप बिल्कुल। बाकी यहाँ 300 से ज़्यादा इसमें बहुत सारे, आप चाहो तो इसमें हार्डनेस, इसको सॉफ्ट करना चाहो तो सॉफ्ट कर लो, हार्ड करना चाहो तो हार्ड कर लो। हाँ, तो सॉफ्ट का मतलब ये कि आपने ये मतलब प्रेस, ये भी देखो थोड़ा सॉफ्ट है, अब वही मैं इसको थोड़ा हार्ड कर लेता हूँ, तो ये देखो अब देखना जब थोड़ा डार्क हो गए, अब इसको थोड़ा और सॉफ्ट कर लेता हूँ बिल्कुल, तो अभी नज़र भी नहीं आएगा, इतना हल्का हल्का निकलेगा। तो ये सही है, तो आपको ब्रश में मिलते हैं, और इससे आपको फ़ायदे क्या है मैं आपको भी बता देता हूँ। आपको एक कोई तस्वीर वगैरह में कोई मैं एडिटिंग करके मैं दिखाता हूँ कि ब्रश से आप क्या नहीं कर सकते। आप इस पिक्चर की मैं कोई फेस क्लीन करके दिखाऊंगा, तो इसके लिए मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ। पिक्चर मेरे पास होगी डाउनलोड के अंदर, ये वाली पिक्चर, ये बच्ची है, इसका थोड़ा फेस हम ना क्लीन करते हैं ब्रश टूल की मदद से। तो हमने बी दबाया, ब्रश टूल आ गया, हल्का दबाया और ये हल्का हल्का, ठीक है। तो अब यहाँ हमने ओपेसिटी और फ्लो, फ्लो मैंने आपको बताया था यहाँ 7 W का रख दिया, ओपेसिटी मैंने 30 कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको ब्रश किया और आराम आराम से कर रहा हूँ मैं, आप देखिए कितना खूबसूरत सा ये अपना शक्ल को साफ कर रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे रहना है, छोटा छोटा आप कर लो, ताकि आपका जो और अब थोड़ा मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ पहले कैसा था और अब कैसा है, ये देखो डिफरेंस देखो आप अपने पिक्चर की, और कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो क्या मसाले तो मैं आपको ये जो डार्क आया हो इसको आपने ख़त्म करना है, तो आपने क्या करना है इस कलर को पहले सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं कि आप आई से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर हमने ब्रश टूल की मदद से इसके ऊपर कलर कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ गायब हो गया। तो किसी भी चीज़ में कलर करने के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे मसाल के तौर में यहाँ हम उसको कलर करना है, ये हिस्से में कलर कर दिया मैंने, यहाँ कलर करना चाहो तो आप यहाँ भी कलर कर सकते हो। तो कोई भी मतलब दुपट्टे में कोई कहानी है, कोई पत्ता, कोई तस्वीर में, तो वो तस्वीर का कहानी ख़त्म करने के लिए अब यहाँ ऑफिस सिटी को 30 कर लो और फ्लो को 7 कर लो, या अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, जब आप करते करते आपको आ जाएगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हाथ साफ हो जाएगा आपका, लेकिन इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो आप करना चाहो तो। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा ब्रश टूल से क्या क्या नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हो, अपने दुपट्टे वगैरह को साफ़ कर सकते हो, अपने रंग को गोरा करना चाहो तो रंग गोरा कर सकते हो। रंग गोरा कैसे करते हैं, इसके लिए बस आपको थोड़ा सा इसको डार्क करना है, और डार्क करने के बाद कैसे मैं हल्का सा मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। कैसे मसाले को मैंने ये लिया, और लेने के बाद थोड़ा सा डार्क करके मैंने इसके ऊपर दिया,
काफ़ी ज़्यादा खुजलवा है, इसको हम थोड़ा लेवल कर लेते हैं, तो लेवल हो गया। तो बाकी आप इसमें और मेहनत कितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा तस्वीर देखने में अच्छी लगेगी और अच्छा ग्लो आएगा। तो इससे आप बहुत देखो, कहने का मकसद ये कि टूल्स, हर टूल्स बताने का मकसद मेरा ये होता है कि आपको टूल्स के बारे से समझ आ जाए। एक बार टूल समझ आ जाए, आपको एक बार बाइक चलाना आ जाए, तो आप किसी भी रोड में आसानी से बाइक चला सकते हो। आपको एक खाना बनाना आ जाए, तो आपको खाना बनाना आता है तो आप किसी भी चूल्हे में आप खाना बना सकते हो, आपके लिए खाना बनाना मुश्किल नहीं होता। तो वही चीज़ आपको, जब आपको एक चीज़ ब्रश यूज़ करना आ जाए तो किसी भी तरीके से आप उस ब्रश का यूज़ कर सकते हो। तो इसी के साथ वो कोई साइंस नहीं है, और ये सब आखिरी में ये सब चीज़ें तुम लोग खुद चेक कर लें यार, डिसॉल्व क्या होते हैं। मैं अभी मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ। मतलब ये वो है कि मैंने आपने एक जगह कहीं ब्रश किया और इसको आप डिसॉल्व करना चाह रहे हो, उसको थोड़ा चेंजिंग करना चाह रहे हो, वैसे इसके ज़्यादा इस्तेमाल करो नहीं तो अच्छे हैं। तो बहर तो इसी के साथ ये जो अपना ब्रश का जो क्लास था ये ख़त्म होता है, और उसके बाद मैं इंशाल्लाह पेंसिल टूल और कलर रिप्लेस टूल एंड मिक्सर ब्रश टूल के हवाले से मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा ये सारी वीडियो इन सारे टूल से क्या क्या चीज़ होती है क्या नहीं। तो अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।